हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं P-72 अजूल ट्राइफल्स के बारे में, जो कि SSS डिफेंस बनाती है, और AMCA फाइटर जेट के बारे में, और उसी के साथ साथ तेजस मार्क 2 के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपके सभी व्यूवर्स को कहना चाहते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अजूल राइफल एक किसी भी आर्मी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण राइफल होती है, क्योंकि ये राइफल वजन में हल्की होती है और इसकी रेंज भी बहुत ही ज़्यादा होती है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज SSS डिफेंस की अजूल राइफल के बारे में। ये 7.62x52mm और 7.62x39mm के एम्यूनेशन को फायर कर सकती है। इसकी मैक्सिमम रेंज 350 मीटर तक है। टेलीस्कोपिक साइट और स्टेबिलिटी हैंडल इसमें इक्विप्ड किया जा सकता है, और जिसके कारण इसकी रेंज और एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। दोस्तों, उसी के साथ साथ इसमें लगभग 20 से 30 के नंबर में एम्यूनेशन इसके मैगजीन में अटैच किया जा सकता है, अटैचेबल मैगजीन में। उसी के साथ साथ दोस्तों, इसका जो पीछे का सेक्शन है वो फोल्ड भी हो सकता है। देखा जाए तो ये राइफल एक तरीके की अजूल राइफल की गिनती में आती है, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो लगभग 250 मीटर के आसपास कही जाती है। ऐसे लगभग दो वेरिएंट इन्होंने बनाए हैं, एक P-72 कार्बाइन और P-72 MBT। देखा जाए तो दोनों ही राइफल अपने अपने सेक्शन में बेस्ट है, और देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस राइफल है। अब बात करें इनकी इंडियन आर्मी में इंट्रोडक्शन की, तो फिलहाल तो कम चांस दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में इनके जो नए वेरिएंट होंगे उनके चांस बहुत ही ज़्यादा हाई है इंडियन आर्मी में। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन AMCA को लेके है। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि AMCA एक्चुअली में कब बनने वाला है। दोस्तों, AMCA लगभग 2024 में या 25 में अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेगा, उसके बाद 2028 में मास प्रोडक्शन में जाएगा, और इसका सही में जो मास प्रोडक्शन है यानी जो इसके इनिशियल यूनिट्स होंगे वो 2030 तक बनके तैयार हो चुके होंगे। हम बात कर रहे 2024 में इसके प्रोटोटाइप की फ्लाइंग की, तो दोस्तों इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। वही अगर देखा जाए तो AMCA प्रोजेक्ट आप कह सकते हो कि जो मास प्रोडक्शन है, जैसा कि अभी तेजस MK1A का मास प्रोडक्शन शुरू होने वाला है 2021 में, वैसा इसका मास प्रोडक्शन 2028 में शुरू हो जाएगा। आपको इसके बारे में चिंता करने की बात नहीं है, मैंने अभी इसके ऊपर पहले ही डिटेल वीडियो बनाई है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। वैसे आपका जो क्वेश्चन था वो आई होप क्लियर हो चुका होगा। इसका जो मास प्रोडक्शन है वो 2028 में शुरू होने वाला है। इसका जो मार्क 2 है उसका मास प्रोडक्शन 2035 में, जो कि एक 6th जनरेशन फाइटर जेट होने की चांसेस है, वो चालू होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है मीडियम वेट फाइटर जेट को लेके। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में संशय था कि मीडियम वेट फाइटर जेट का भी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2023 से 24 के बीच होने वाला है। तो जिस हिसाब से जो तेजस MK2 फाइटर जेट है या मीडियम वेट फाइटर जेट है, उसमें भी इतनी डिले हो सकती है, क्या मीडियम वेट फाइटर जेट भी MK जैसा लेट, यानी एक तरीके से आप कह सकते हो कि जैसे MK और हमारे मीडियम वेट फाइटर जेट की उड़ान फर्स्ट फ्लाइट एक ही साल होने वाली है, लेकिन इसका जो मास प्रोडक्शन है वो 2026 से स्टार्ट हो सकता है। इसके चांसेस क्यों है? क्योंकि जो मीडियम वेट फाइटर जेट है वो एक्चुअली में ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें और तेजस में। तो जो कंपनी तेजस के लिए पार्ट्स बनाती है, जो उसके फ्यूसलाज बनाती है, उसके अलग अलग सेक्शन बनाती है, तो वही कंपनीज को हम ऑर्डर दे सकते हैं कि आप एडिशनल ऐसे पार्ट्स बनाएं, इक्विपमेंट्स बनाएं, और जिसके वजह से हमें इसकी जो प्रोडक्शन है उसे हम फास्ट कर सकेंगे, और इसका प्रोडक्शन बल्क प्रोडक्शन यानी मास प्रोडक्शन हम जल्दी ही शुरू करना सकेंगे। जबकि जब हम AMCA फाइटर जेट के लिए देखें तो AMCA फाइटर जेट के लिए हमें वापस से ये सब सेट करना पड़ेगा, यानी पूरा सेट करना पड़ेगा। जहाँ तेजस और तेजस मार्क 2 में ज़्यादा फर्क नहीं है, वहाँ AMCA में बहुत ही ज़्यादा फर्क होने वाला है इन दोनों फाइटर जेट से। अगर हम मीडियम वेट फाइटर जेट और तेजस को कंपेयर करें तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं दिखने को मिलेगा, वही अगर हम AMCA को और तेजस मार्क 2 को कंपेयर करें तो हमें बहुत सारे फर्क दिखने को मिलेंगे। तो इसी कारण AMCA का जो प्रोडक्शन है वो लेट होगा। हाँ, लेट होगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा डिले नहीं होने जा रहा। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।